रूस की विक्ट्री परेड पर खतरा कितना बड़ा है? 9 मई से पहले मॉस्को में माहौल क्या है? अब ये जानने की करते हैं कोशिश। कल 9 मई के विक्ट्री डे परेड को लेकर क्रेमलिन में अलर्ट, क्रेमलिन पर सिक्योरिटी एजेंसियों की पैनी नजर है। ये इस वक्त की अहम खबर सीधे मॉस्को से। TV9 भारतवर्ष की टीम क्रेमलिन में मौजूद है। क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद यहां पर खतरा और बढ़ गया, इसलिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं क्रेमलिन मॉस्को से। ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। सीधे मनीष के पास आपको लिए चलते हैं। मनीष, क्या हालात नजर आ रहे हैं? क्रेमलिन अटैक के बाद पूरी दुनिया की नजरें मॉस्को में हैं और आप इस वक्त मॉस्को में मौजूद हैं। क्या बदला हुआ नजर आ रहे हैं आ रहा है इस अटैक के बाद? बिल्कुल समीर, देखिए आपके सवाल का जवाब भी दूं और साथ ही साथ मेरे कैमरा सहयोगी अमित अभी आपको क्रेमलिन के पास से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए TV9 भारतवर्ष न केवल भारत का बल्कि दुनिया का कुछ चुनिंदा ऐसा चैनल है जो इस वक्त मॉस्को में मौजूद है, क्रेमलिन के पास मौजूद है। और इस वक्त TV9 के कैमरे से जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें क्रेमलिन है, क्रेमलिन है, रेड स्क्वायर है और साथ ही में कुछ दूसरी ऐतिहासिक इमारतें जहां पर कि विक्ट्री डे परेड जो कल मनाया जाएगा उसकी यहां पर पूरी तैयारी हो गई है। लास्ट मोमेंट जो रिहर्सल है वो सब चल रहे हैं और इस वक्त आप कैमरे पर देख रहे हैं आसपास के वो नज़ारे। जाहिर है इस बार विक्ट्री डे परेड खास है, वो इसलिए क्योंकि पहली बार विक्ट्री डे परेड के पर किसी भी तरह के हमले की भी एक आशंका बनी हुई है और वैसे में रूस की सुरक्षा एजेंसियां कोई भी चूक होने नहीं देना चाहती है, इसलिए हर चीज़ पर निगरानी है, पूरी तरह सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है। लेकिन साथ ही साथ चूंकि विक्ट्री डे परेड रूस के लिए या पूर्व सोवियत संघ के बहुत सारे इलाकों के लिए एक गौरवशाली दिन है, वो दिन जिसे ये पूरा इलाका इस रूप में मनाता है कि दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी से लड़ाई में जो शहादतें हुई थी, 2,70,00,000 के करीब जो शहादतें हुई थी उनकी याद में ये विक्ट्री डे परेड मनाते हैं। कल जो विक्ट्री डे परेड है, इस कार्यक्रम का आयोजन कितने बजे मॉस्को के टाइम के अनुसार से शुरू होगा, भारतीय समय उस वक्त क्या हो रहा होगा और कितनी देर का ये भव्य कार्यक्रम समारोह होगा? अलग अलग जो चाहे तोप हो, टैंक हो, मिसाइल हो, वो सब आपको आते जाते हुए यहाँ से दिखाई देंगे। जी जी मनीष, कल जो ये कार्यक्रम होगा, भव्य समारोह होगा, विक्ट्री डे परेड होगी, ये कितने बजे भारतीय समय के अनुसार शुरू होगा और कितनी देर तक कार्यक्रम चलेगा, क्या कुछ होगा कल? आप बिल्कुल देखिए रूसी समयानुसार ठीक 10 बजे आप देख रहे हैं क्रेमलिन के साथ में यहाँ पर आपको एक रेड स्क्वायर है, रेड स्क्वायर के साथ सेंट बासिल चर्च है। तो चर्च में जैसे ही सुबह 10 का घंटा बजेगा यानी कि भारतीय समयानुसार ठीक 12:30 बजे उस वक्त यहाँ से परेड शुरू होगी और वो परेड यहाँ से निकल कर कैमरे पर जो आप देख रहे हैं ठीक ये क्रेमलिन की दीवार से होते हुए ये परेड यहीं सामने से होकर गुजरेगी। इस वक्त जो आपको सिक्योरिटी वाले सब दिख रहे हैं यहीं से होकर परेड जाएगी और फिर ये जो रोड जहां पर मैं खड़ा हूं इसी रोड से होते हुए फिर वो आगे बढ़ती जाएगी और मॉस्को के अलग अलग सड़क पर अलग अलग चौड़ाव इलाकों से होते हुए फिर वो वापस आएगी। तो ये परेड का वो नजारा है जो TV9 के कैमरे पर कल हमारे दर्शक देख पाएंगे, दुनिया भर के दर्शक देख पाएंगे। अहम बात यह होता है कि जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी में आप देखते हैं कि हम अपनी रक्षा ताकतों को भी दिखाते हैं और अलग अलग तरह की झांकियां निकालते हैं, उसी तरीके से रूस के विक्ट्री डे परेड में भी आपको इनकी ताकत दिखती है। बहुत शुक्रिया, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए मनीष।